हेलो दोस्तों, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के बारे में जिस किसी को भी अपनी डिग्री की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है या 45 दिन के अंदर आपको अगर डिग्री चाहिए तो यहाँ पे दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एक ऑप्शन देती है डिग्री इन एडवांस का। डिग्री एडवांस के ज़रिए दोस्तों आप जो है 45 दिन के अंदर आपको जो है डिग्री मिल जाती है। वो यहाँ पर आप इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से इसके लिए अप्लाई करना है, प्रोसीजर क्या रहने वाला है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको आता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि डिग्री आपको क्यों ज़रूरी है, मींस अर्जेंट किन किन स्टूडेंट को जो डिग्री है वो अर्जेंट रिक्वायरमेंट रहती है या 45 दिन के अंदर आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे तीन कैटेगरीज के स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है अपनी डिग्री की, 45 दिन के अंदर आपको डिग्री चाहिए। तो पहले वे स्टूडेंट होते हैं दोस्तों जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उन सभी स्टूडेंट को जो है डिग्री की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में दोस्तों जो आपको प्रोसीजर बताया जा रहा है उसके जरिए जो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो सर्विस का ऑप्शन दिया था इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री इन एडवांस का ऑप्शन आपको दिया गया है। तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन क्राइटेरियाज बताए गए हैं किन किन स्टूडेंट को जो है अर्जेंट डिग्रीज की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले जो हाई स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाते हैं या अब्रॉड में सेटल होने के लिए जाते हैं, या फिर अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसको गवर्नमेंट जॉब अगर उसके सेलेक्टेड होते हैं गवर्नमेंट जॉब में तो वहाँ पर डिग्री की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये तीन यहाँ पे ऑप्शंस आपको बताए गए हैं जिनके ज़रिए अगर इन तीनों में से कोई भी अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी सिचुएशन ये है तो आप जो है डिग्री इन एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। तो स्टेप वन में दोस्तों सिंपली आपको ये कहा गया है कि यहाँ पर आपको जो लिंक दिया गया है इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करके आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना होगा। फिल कर देने के बाद यहाँ पर सेकेंड स्टेप में आपको बताया गया ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपलोड करने होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, जिसमें आपके फोटोग्राफ चाहिए, स्कैन सिग्नेचर चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, फाइनल ईयर के मार्कशीट या रिजल्ट का जो नोटिफिकेशन होता है PhD MPhil का वो यहाँ पे चल जाएगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए आपके एडमिशन लेटर की। जाहिर सी बात है दोस्तों अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फॉरन में हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक एडमिशन लेटर प्रोवाइड किया जाता है जो कि यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए अपॉइंटमेंट लेटर की, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड होते हैं तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए पासपोर्ट की। इसके अलावा 6 पॉइंट में आपसे कहा गया है कि आपको दोस्तों एक नोटराइज एफिडेविट जो है कि अपलोड करना होगा। इसका जो फॉर्मेट है, किस तरह से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में बाद में बता दिया जाएगा इसी वीडियो में, जो कि यहाँ पर 10 रुपये का बनता है। इसके अलावा दोस्तों जो आपका 7th पॉइंट है इसमें आपको ये कहा गया है कि आपको एक डिक्लेरेशन अपलोड करना होगा। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर रेगुलर के हों या सोल के, उनके जो प्रिंसिपल होते हैं डिपार्टमेंट के, उनसे यहाँ पे एक डिक्लेरेशन जो होगा वो आपको सबमिट करना होगा। डिक्लेरेशन का जो फॉर्मेट होगा वो किस तरह का होगा वो भी अभी आ गया आपको बता दिया जाएगा। ये सभी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोट में ये बताया गया कि ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं ये सब सारे के सारे आपको सिंगल PDF में जो कि अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने के बाद दोस्तों 3rd पॉइंट में आपसे कहा जाएगा 500 रुपये पे करने के लिए, जो कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। 4th स्टेप में आपसे कहा जा रहा है कि दोस्तों आप जो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उसकी एक रिसीट आएगी, एक्नॉलेजमेंट होगी और उस पर आपका एक रिसीप्ट नंबर दिया होगा जो कि आपको अपने पास संभाल कर रख लेना होगा। स्टेप 5 में आपसे कहा जा रहा है कि जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल्ड हो जाएगा अच्छी तरह से तो उसका जो प्रिंट आउट है वो आपको अपने पास रख लेना है। एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है और ऊपर आपने जो कोई भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, चाहे वो आपका डिक्लेरेशन हो, चाहे वो आपके मार्कशीट हो, चाहे जो कुछ भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर कहाँ जाने हैं उसका एड्रेस यहाँ पे आपको दिया गया है। विंडो नंबर 4 ग्राउंड फ्लोर है जो कि एग्जामिनेशन ब्रांच के 4th रूम नंबर दिया 207 सेकंड फ्लोर में जो एग्जामिनेशन विंग है नॉर्थ कैंपस में, वहाँ पर आपको जाना है और ये सभी डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर देने हैं। आपको फोटोकॉपीज जो आप अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो भी लेकर जाना, हो सके तो ओरिजिनल अगर मांग ले जाना चाहें तो लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा स्टेप 6 में यही कहा गया है कि आपके जो ये प्रोसीजर है, जैसे आपका प्रोसीजर
प्रोसीजर कंप्लीट होगा और यहाँ पे 45 डेज़ के अंदर आपका जो है डिग्री आपको मिल जाएगी। वहीं अगर आप डिजिटल डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो ये जो है 10 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको मेल कर दी जाएगी, आपको रिसीव कर दी जाएगी। ये दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए जिन्हें आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड किए गए हैं दोस्तों, जिनमें जो सबसे पहला लिंक दिया गया है वो आपके एफिडेविट यानी यहाँ पर जो देख सकते हैं 3 लाइन का ब्लू कलर का फर्स्ट जो लिंक दिया गया है, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद जो भी आपको एफिडेविट चाहिए या जो डिक्लेरेशन का फॉर्मेट चाहिए वो यहाँ पे आपको दिया गया है, तो ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पीडीएफ ओपन हो चुका है। ये यहाँ पे आपको वही डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनको अगर वो बाहर जा रहे हैं अब्रॉड जा रहे हैं हायर स्टडीज़ के लिए, तो ये उनको जो डिक्लेरेशन है ये वाला आपको सबमिट करना होगा, जिसमें दोस्तों आपका किस तरह से फिल करना है ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें दोस्तों आपका जो है फुल नेम फिल करना है, इसके अलावा आपका जो एड्रेस है वो फिल करना है, यहाँ पर आपका जो कोर्स कम्प्लीट किया है वो फिल कर देना है, और इसके अलावा आपका जो रोल नंबर है, आपका जो डिवीज़न आया है, इसके अलावा जो आपने लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंड किया है उसको यहाँ पे फिल कर देना है। ये सारी चीज़ें फिल कर देने के बाद नीचे यहाँ पे दोस्तों आपको जो है अपना सिग्नेचर करना है, स्टूडेंट नेम लिखना है जो कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए, आपके कोर्स का नेम और यहाँ पर जो आपने लास्ट इंस्टीट्यूट या कॉलेज अटेंड किया उसका यहाँ पर नेम लिख देना है। इसके अलावा ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो एब्रॉड जा रहे हैं सेटल होने के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर ये वाला डिक्लेरेशन फॉर्म रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है सिलेक्टेड होते हैं तो उनके लिए जो है डिक्लेरेशन फॉर्म ये वाला रहने वाला है। ठीक इसी तरह से आपका जो एफिडेविट है ये रहा है आपका एफिडेविट उन सभी स्टूडेंट के लिए जो हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप अब्रॉड में सेटल होने के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए ये वाला जो कि एफिडेविट रहेगा, गवर्नमेंट जॉब लगती है तो उनके लिए ये वाला एफिडेविट रहने वाला है। तो आई होप दोस्तों ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप जो है प्रिंट आउट करके फिल करके अपलोड कर सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।